तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आप जानते हैं आईपीएल आ रहा है तो हम स्क्वाड डिस्कस कर रहे हैं। हमने तीन स्क्वाड डिस्कस कर चुके हैं, हमने आरसीबी का, राजस्थान का और हमने पहले इससे पहले कौन सा किया हमने, पंजाब का, सॉरी भूल गया क्योंकि काफी स्क्वाड हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम करेंगे गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात की जो टीम है ना काफी सॉलिड लग रही है। हमने जब स्क्वाड लिखा था तो आलम को मैंने बोला कि डेप्थ बहुत है स्क्वाड में, तो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे हिसाब से जो बेस्ट प्लेइंग 11 है हम वो बेस्ट प्लेइंग 11 बना के आपको दिखाएंगे। अगर आपको इस प्लेइंग 11 से आप सहमत नहीं है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 बनाएं, और अगर आप प्लेइंग 11 हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको लाइव सेशन हम करेंगे 10:30 पे, तो लाइव पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेइंग 11, तो आप प्लीज आइएगा। और आपका हक बनता है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं हमारी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है। तो आइए शुरू करें फिर आप स्क्वाड। तो प्लीज पहले आपका मैं स्क्वाड बताता हूं, फिर स्क्वाड उस पर हम प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपके हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, मिलर, शमी, त्वेतिया, राशिद खान, वेट, विजय शंकर, एस साई, साई सुदर्शन, साई किशोर, साई किशोर, यश दयाल, लिटिल उर्विल, मोहित शर्मा, अभिनव साहा, दर्शन, प्रदीप, मावी, अलजारी, नूर, विलियमसन, ओडियन स्मिथ, केएस भारत एंड जयंत यादव। तो भाई इनकी टीम पता कैसी है, जो पिछली बार देखो आपको पता है चैंपियंस रहे हैं पिछली बार, इनकी टीम ऐसी है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं कि बोलो कि क्यों बढ़िया, लेकिन सारे काम करने वाले प्लेयर हैं। पिछली बार भी आप देखें जैसे कि मिलर है, उनको काफी पिछले साल तो उन्होंने काफी अच्छा खेला था मिलर ने, लेकिन उससे पहले के सालों में उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती थी उनकी, चाहे वो राजस्थान में भी काफी टाइम रहे बाहर बैठे बाकी के प्लेयर निकाले हार्दिक पांड्या छोड़ के, हार्दिक पांड्या और गिल को छोड़ के लगता है कि जो बाकी टीम में से ना बाकी टीम्स में से जो प्लेयर को आप बेंच करते थे उन प्लेयर से उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने चैंपियंस बन गए, ऐसा हुआ था। राशिद खान को छोड़ के, राशिद खान तो मेन प्लेयर थे, पर कुछ इनके बल्क में जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बेंच पे बैठते थे उनके वो साथ में लगे एक टीम बनाई गई, और जो कि एक मूवी की कहानी लगती है ना, मूवी की कहानी लगती है। खैर छोड़े मजाक के बाद बाद में करेंगे, अभी हम जो है बेस्ट प्लेइंग 11 हमारे अकॉर्डिंग पहले ओवरसीज कर रहे डिस्कस। चलिए चलो ओवरसीज डिस्कस करते, देखिए चार ओवरसीज इसमें से हम आठ ओवर ही आपको पता होते हैं, तो चार पिक करते हैं पहले प्लेइंग 11 में। अरिंद आप बताइए पहले आप किसको पिक कर रहे हैं? राशिद खान ऑब्वियसली, ठीक है ये तो डाउट नहीं, किसी को डाउट नहीं होगा, टिक कर दीजिए। ओके वाइस कैप्टन भी है जी, और आई थिंक मुझे लगता है दूसरे मिलर होंगे, जो फॉर्म उनकी थी पिछले आईपीएल में आई डोंट थिंक उनको आप बाहर निकालोगे, तो मिलर और राशिद खान। अब यहाँ पर ना ट्विस्ट आता है क्योंकि ये जो अभी जो बाकी की ओवरसीज, हाँ जी टकरे खाइए आप, तो ओवरसीज जो बाकी की है ना वो इतनी भी सॉलिड नहीं है, उनमें बहुत कंफ्यूजन है। जैसे मैथ्यू वेड, ओडियन स्मिथ, नूर अहमद और आप देखें विलियमसन, तो काफी ज्यादा जॉफर लिटल है जो काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स हैं, बट मैं जाऊंगा विलियमसन के साथ क्योंकि विलियमसन जो है आपके एक्सपीरियंस है और मेन प्लेयर है। क्योंकि मैं वेड और विलियमसन में चूज करना पड़े मुझे तो मैं तो विलियमसन को चूज करूंगा, बिकॉज आपके पास इंडियन कीपर्स है, केएस भरत भी है आपके पास और आपके पास रिधिमन साहा भी है, तो ये दोनों में से एक तो आप खिला सकते हो, तो जरूरी नहीं है आपको मैथ्यू वेड आपको टीम में लेना है। तो मेरे हिसाब से विलियमसन आपको स्टेबिलिटी भी देंगे और विलियमसन जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए। एंड मैथ्यू वेड का कुछ खास रिकॉर्ड है भी नहीं इंडिया, अगर होगा भी ना तो आप खुद सोचें कि आप अगर इंडियन कीपर खिलाते हैं तो फायदा होता है आपको एक, ठीक है, क्योंकि फिर आपके स्लॉट बच जाता है आपके पास, आप बॉलर को क्या बॉलर भी खिलाने आपको, तो आपके पास अलजारी जोसफ मुझे लगता है कि शायद एक अच्छे बॉलर विकेट लेते हैं, अलजारी जोसफ को आप खिला सकते हो एज अ। तो हमने किसको चूज नहीं किया, नूर अहमद को चूज नहीं किया, लिटिल को चूज नहीं किया, ऑडियंस में किया, देखो काफी एक्सपेंसिव रहे थे पिछली बार, उनको बड़ी मार पड़ी थी, तब इतने छक्के मारे थे उनको दो, याद है आपको बैक टू बैक सिक्सेस मारे थे। तो अभी जैसे ऑडियंस में था, आई डोंट थिंक उनको पहली प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज वो प्रॉपर बॉलर नहीं है, तो ना ही जोसफ लिटिल को मिलेगी और ना ही मुझे लगता है वेड को और नूर अहमद को मिलेगी, आगे जाके मिल सकती है, पर हमारे अकॉर्डिंग ये चार हमने ओवरसीज पिक किए। बेसिकली विलियमसन का ये भी है कि आप जैसे नोटिस करो कि जैसे आपके ओपनर होंगे गिल होंगे आपके ओपनर, साथ में आपके गिल, हाँ हाँ बोली बोली, साथ में गिल के साथ कौन ओपनिंग करेगा? देखिए गिल के साथ अगर आप देखो मेरे हिसाब से रिधिमन साहा को ओपनिंग करनी चाहिए या विलियमसन के साथ भी ओपनिंग आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर में एक आपको ऑप्शन दे देंगे स्टेबिलिटी वाला, वो डिपेंड करता है लेकिन आई थिंक हम पहले इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, तो अगर हम हार्दिक पांड्या को टिक मार दो पहले हम, क्योंकि वो तो होंगे ही कैप्टन है, और नीचे जो गिल खड़े वो भी गिल तो ओपनिंग आपके हैं, ठीक है, शमी भी, और शमी बॉलिंग में होंगे, अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम, हर टिक कर रहे हैं, तो बेतिया आपको तो बताइए फिर, ठीक है, और कौन है भाई? अच्छा तो भाई इनके पास जो फास्ट बॉलर अटैक है, शमी भी हो गया, अलजारी भी हो गया, अब आपको शिवमावी को टिक कर दीजिए, एक मिनट, आप इनके पास मोहित शर्मा भी है, ठीक है, प्रदीप भी हैं, तो
तो काफी बॉलर्स हैं इनके पास, बट मैं स्टिल बोलूंगा कि शिव मावी ने आपको देखा डेब्यू भी किया था इंडियन टीम में, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो आई थिंक शिव मावी को मैं टिक करूंगा। तो बॉलिंग इनकी तो फास्ट बॉलिंग है, शिव मावी, शमी और अजय यूसुफ एंड हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या को भी इंक्लूड कर दो, तो फास्ट बॉलिंग इनकी अच्छी खासी हो जाती है। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वीक लगती है, लेकिन अच्छी बॉलिंग है इनके पास। अगर आप बोले अब क्योंकि अब स्पिनर भी खिलाने हैं आपको, स्पिनर में राशिद खान आपके हैं, आई थिंक आप साई सुमन को खिलाएंगे या साई सुदर्शन है वो, और साई किशोर है सब्सक्राइबर है एक साई सुमन, तो मेरे मुंह से साई सुमन निकल गया। खैर छोड़ो, आप साई किशोर को टिक कर दो, क्योंकि हाँ इनके साथ भी कॉम्पिटिशन है जयंत यादव का, जो कि मुझे लगता नहीं कि जयंत यादव को, क्योंकि जयंत यादव की थोड़ी बैटिंग में कहूंगा ठीक है, बट बॉलिंग उनकी इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। तो खुशबू अच्छी आ रही है बात करके, तो जयंत यादव जो है और साई किशोर, देखो स्पिनर चाहिए आपको, ठीक है आपके राशिद खान साहब तवतिया राहुल तवतिया स्पिन कर लेंगे, साई किशोर स्पिन कर लेंगे, तो स्पिन भी आपकी अच्छी हो गई। अब आप बाकी रिद्वान साहब को टिक कर दीजिए आप, कितने हो गए इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपको एक चीज पता इसमें लगे होगी, मिसिंग लगी होगी, अभिनव मनोहर काफी अच्छे बैटिंग करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अभी जगह नहीं बनती, बिकॉज बैटिंग बहुत है इनके पास, बहुत बैटिंग। आप देखिए कहां गए वो साई किशोर, सब बैटिंग करते हैं, विजय शंकर है ना। आप कुछ लोग बोलेंगे आपने विजय शंकर को रखा टीम में, पर यार आप बताओ कहाँ रखें, हार्दिक पांडे आपके ऑलराउंडर है, वो 4 ओवर करने वाले हैं, अपने किसी तरीके से कर ही लेंगे वो, उसके अलावा भी 3 फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ आपके शिव मावी और शमी, तो 16 ओवर तो आपके पेस के ऐसे हो गए। अब विजय शंकर को क्या करोगे आप, किसकी जगह आप शंकर को रखोगे, किसकी जगह रखोगे आप, खुद नोटिस करो, बैटिंग नोटिस करो, ठीक है, हार्दिक पांड्या, गिल, मिलर, शमी भी हल्की बैटिंग कर लेती है, आप त्वेतिया सारे बैट, राशिद खान वो डेप्थ है, साहा, मावी, अल्जारी जोसेफ भी ऑलराउंडर है, विलियमसन भी आपकी बैट्समैन है, खाली साई किशोर है जो हल्की उल्की बैटिंग कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इनकी जो बैटिंग लाइनअप है बहुत डेप्थ है बैटिंग में, तो अगर आप बोल रहे विजय शंकर को रखना है, तो आई डोंट थिंक विजय शंकर की टीम में भी जगह बनती है, हो सकता है वो हम खिला भी रहे हो और हमारी टीम गलत हो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये प्लेइंग 11 ये बनती है। आप एक बार प्लेइंग 11 बताइए इनको, तो जी हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, मिलर, शमी, त्वेतिया, राशिद खान, साई किशोर, रिद्धिमान साहा, शिवम मावी, अल्जारी जोसेफ एंड केन विलियमसन। देखिए मेरे हिसाब से ये जो प्लेइंग 11 है बहुत तगड़ी प्लेइंग 11 है, डेप्थ बहुत है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ एक मुझे इसमें प्रॉब्लम लगती है कि कोई इतना बड़ा एक्सपेक्टर नहीं है टीम में, जो कि पिछली बार भी नहीं था, लेकिन पिछली बार इन्होंने जो एज अ टीम खेला था, त्वेतिया ने नीचे से मैच जिताया था, मिलर ने मैच जिताए थे, हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में थे, शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग थे, तो आई थिंक ये टीम काफी सॉलिड लग रही है, लेकिन ये अपना जो टाइटल है वो डिफेंड कर पाती है कि नहीं वो देखना होगा। हमारे अकॉर्डिंग ये टीम, अगर आप हमारी टीम से सहमत नहीं है, सहमति नहीं रखते हैं, तो रात को हम लोग लाइव सेशन में, हमारा लाइव होगा, हम गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स दोनों की टीम डिस्कस करने वाले हैं रात को 10:30 पे। आप आइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ लाइव पे, और अगर नहीं जुड़ सकते तो आप यही कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 बना के बताइए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।